सीमा जी, ऐसी आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों ने एक महीने का अल्टीमेटम दिया और एक महीने के अंदर ही आप लोगों ने पार्टी छोड़ दी? हमारी जो जरूरत थी आप सब तो जान ही चुके हैं, हमारी नहीं पूरे झारखंड वासियों की एक ही जरूरत है। अभी सारे राज्यों में स्थानीय नीति बनी हुई, लेकिन हमारे यहाँ ही ऐसी क्या विडंबना जो अभी तक स्थानीय नीति नहीं बनी है। और हमारी सरकार के गठन से पहले जब चुनावी दौर में हमारा यही एजेंडा था, एकमात्र यही एजेंडा था कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, लेकिन पता नहीं सरकार बनने के बाद हम लोग अपने जो हमारा जो एजेंडा था उससे हमारी सरकार भटक गई। और 2 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति बनी नहीं है। जो मेन मुद्दा है आपका, एक भाषा और एक स्थानीयता, इसी विषय पर आपने इस्तीफा दिया है? इसी विषय पर मेन हमारा मुद्दा तो यही है कि बस एक खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, हमारा मेन एजेंडा तो वही है। और फिर भाषाई आंदोलन तो आप सब देख ही रहे हैं किस तरह सरकार बाहरी लोगों को यहाँ समावेश करने की नीतियाँ एक से एक निकाल रही हैं। बिना नीति स्थानीय नीति बने ही हमारे यहाँ नियुक्तियाँ भी शुरू हो गई हैं। आप सब देख रहे हैं कि नियुक्तियाँ लेने के लिए अभी प्रतियोगिता परीक्षा लेने वाली है सरकार। तो एक महीना का अल्टीमेटम था, तो कोई यहाँ पर आपसे पूछताछ नहीं, कोई संपर्क किया, कोई मनाने के लिए नहीं? इस दौरान तो वैसा कोई भी सरकार की तरफ से कोई पहल वैसी नहीं दिखी हमें। तो सीमा महतो जी, अगला आपका राजनीतिक बैनर कौन होगा, कौन सी पार्टी में आप जाएंगे अगला? देखिए सर, हमारा तो आंदोलनकारी ही हमें कहें तो आप उचित होगा, क्योंकि शुरू से ही आप सब ने देखा होगा या सुने ही होंगे, आप सब अवगत हैं कि हमारे पति एक शुरू से ही आंदोलन करते आए हैं हर चीज़ों में। कभी भी वो जो झारखंडी हित में हो उन मुद्दों को हर जगह पे वो उठाते आए हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे कहीं भी। उनको अपनी सीट से भी ज़्यादा अपने जो झारखंडी हित में जो मुद्दे हैं वो हमेशा से सर्वप्रथम रहे हैं उनके लिए। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। और हम भी आंदोलन छेड़ चुके हैं और इस आंदोलन में आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी हमारा अभी तक कोई बैनर कोई निश्चित हुआ नहीं है, बस हम लोग आंदोलन करना है तो आंदोलन करना है। एक राजनीतिक के तौर पर किसी न किसी पार्टी का दामन तो थामेंगी ना आने वाले दिनों में? अभी कोई भी सुनिश्चित नहीं हुआ है सर, अभी भी हम अभी बस हम लोग आज जो हमें उचित लगता है हम वही करते हैं, भविष्य के लिए सोचना नहीं है। बस जो अभी जो अगला कदम कौन सा हमारा सही हो, कौन सा झारखंडी हित में हो, कौन सा हमारे मूलवासी आदिवासियों के लिए सही हो, वही कदम हम उठाते हैं। सवाल ये है कि जो पार्टी कहती है हम जल जंगल जमीन की पार्टी है, आदिवासियों मूलवासियों की पार्टी है, वो इन वर्गों क्यों अनदेखी कर रही? क्या लगता है, आखिर पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है या हेमंत जी उन बातों को सुन नहीं पा रहे? ये तो बेहतर बड़े भाई हमारे हेमंत सोरेन ही बता पाएंगे कि आखिर वो क्यों भटक गए हैं, क्या ऐसी मजबूरी है उनके पास जो वो एक स्थानीय नीति हमारे लिए एक सही स्थानीय नीति नहीं बना पा रहे हैं, हमारे यहाँ बाहरी भाषाओं का समावेश करते जा रहे हैं, कहीं भी जैसे भोजपुरी मगही वो सब अपने जगहों में उनको मान्यता नहीं है, तो वो सब यहाँ लाने की क्या मंशा है? इसके पीछे तो साफ सबको ही जान रहे हैं, जो भी इस मुद्दे को सुनेंगे सब यही जान रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ नियुक्तियाँ देते जाओ। तो आखिर कितना हम लोग संघर्ष करें सर, आप ही सब बताइए। हमेशा से संघर्षरत रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन तो करते ही रहेंगे, बस यही हमारा मोटिव है। और कुछ कल जगन्नाथ महतो कह रहे थे शिक्षा मंत्री कि 2 जिलों से भोजपुरी मगही हटा दी गई, ये सरकार बता रही है कोशिश कर रही है कि वो यहाँ के लोगों के साथ खड़ी है, तो ये इसे आप पर्याप्त मानते हैं केवल 2 जिलों से हटा दी गई है, तमाम जिलों से हटाने की जरूरत है? ये पर्याप्त नहीं है, आप सब जान रहे हैं कि और इसके अलावा क्या क्या सरकार कर चुकी है। 24 जिलों में उर्दू
को लागू कर दिया गया 11 जिलों में बांग्ला को, तो इस तरह से सारे जो अलग अलग भाषाओं को यहाँ पर लागू कर दिया जा रहा है। ये 9 जो हमारी भाषा है, 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय, इनको विलुप्त करने का पूरा साजिश इनके द्वारा रचा जा रहा है। अब इसके आगे अब क्या होता है अब देखिए। नहीं, जिस तरह आंदोलन चल रहा भाषा को लेकर धनबाद और बोकारो में, क्या उस तरह के आंदोलन में आप लोग भी शामिल होंगे, उस तरह को और अब इंकरेज करेंगे, बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। सभी जितने भी आंदोलन छेड़ रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ मूलवासी आदिवासी जितने हैं खतियानधारी, सभी रोड पर आ गए हैं। माएँ बहनें काकी जेठी काका सभी जितने भी जनता हैं सब रोड में निकल कर केवल 2 ही जिले में आए हैं, बाकी जिले में इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन होगा सर, अभी ये तो उग्र रूप आगे दिखेगा। अगर सरकार सब सुनियोजित नहीं करती है तो आगे बहुत उग्र आंदोलन होने वाला है, और हम सब हम दोनों उनका भरपूर साथ देंगे। भोजपुरी समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर झारखंड में रहते हुए उनके साथ 2m दर्जे का व्यवहार होगा तो वो लोग झारखंड के अंतर्गत एक अलग राज्य की मांग करते हैं जहां वो सुरक्षित रह सकें। झारखंड को आप टुकड़ों में ही बांटते ही रहिए, आप सब जाइए दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में मांग करिए, हमारे यहाँ ही क्यों? झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ, उसके बाद ऐसे ही ये तो क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा हो गया है, तो फिर इसके बाद और इसको कितना टुकड़ों में विभाजित किया जाए? आप दूसरे जगह जाके मांग करिए, यहाँ बस गलत निगाह नहीं रखिए और इसको और टुकड़ों में ना बांटा जाए, और हमारा यही आग्रह होगा। जो लोग वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं भोजपुरी मगही अंगिका समाज के लोग, उन लोगों के साथ भी जस्टिस होनी चाहिए, उनके अधिकारों का भी संरक्षण होना चाहिए। नहीं सर, ये तो सबसे पहले तो हम अपने यहाँ के खतियानधारियों की बात करेंगे, उनकी चिंता हम क्यों करें? वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ जाकर अपना हक अधिकार मांगे, हम तो बस हमारा जो सबसे सरल शब्दों में कहा जाए कि हम लोग रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ बेरोजगारी फैली है, हमारे यहाँ जितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए ये आंदोलन छिड़ा है, बस उन्हीं के लिए एकमात्र ये आंदोलन है। और जो भी भोजपुरी मगही बोलने वाले हैं वो लोग अपने अपने जिलों में जाके मांग करें, यहाँ ना मांग करें, बस यही हमारी। एक सवाल का जवाब इधर देखिए, है ना कि राजनीति में तो ऐसा होता है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग दलों में रहते हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अमित माथुर ने इस्तीफा दिया? देखिए सर, ये पूरे झारखंड के लोग मान चुके हैं कि अमित जी उनका जो हिस्ट्री रहा है, उनका इतिहास, वो हमेशा से गलत चीज़ों के विरोध में आवाज़ उठाते आए हैं, तो पूरे झारखंड के लोग इस बात को मानते हैं, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? और ये अगर आप कह सकते हैं कि एक धर्मपत्नी होने के नाते एक हम अपना धर्म भी निभा रहे हैं, और जो सही है, ऐसा नहीं है कि पति अगर गलत करे तो पत्नी साथ दे, वैसी बात नहीं है। पति जब सही रास्ते पे हो तो हम क्यों ना साथ दे? पूरे झारखंड के लोग साथ दे रहे हैं तो मेरा भी साथ देना। ये आपका अपना निर्णय है, मतलब अमित महतो जी का निर्णय? मेरा अपना निर्णय है, ये पूरी तरह से मेरा अपना निर्णय है। एक सही काम में अपना योगदान देना कौन नहीं चाहेगा। तो आपने सुना किस तरह से सीमा महतो ने साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ खतियान के विषय पर बल्कि भाषा के विषय पर भी वो मुखर हैं, और वो उन्होंने न सिर्फ अपने पति देव यानी अमित महतो के कहने पर ये इस्तीफा दिया है, बल्कि वो भी ये सोचती हैं कि झारखंड जिनके नाम पर गठन हुआ और झारखंड जिनके नाम पर आज अस्तित्व में है, पहले उनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, यानी आदिवासियों के लिए मूलवासियों के लिए, और ये जो यहाँ खतियानधारी है उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। अगर सरकार उसमें पीछे हटती है तो वैसे सरकार वैसे पार्टी से संबंध रखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज़।